हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर कोड कोच। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। तो आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक, न्यू सीरीज़ के साथ आए हैं, जो है जावा बेसिक्स। ठीक है, तो जावा बेसिक्स क्यों लिखा है मैंने, ताकि हम पहले जावा का पूरा बेसिक्स कवर करवाएंगे। ठीक है, ताकि हम पूरा का पूरा बेसिक्स कैसे कि थियरी, प्रैक्टिकल, लॉजिक्स कैसे अप्लाई करते हैं, वो पूरा का पूरा हम बेसिक्स में सीखेंगे। बाद में हम एडवांस लेवल का जावा कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको कैसे पढ़ाऊँगी, तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी खुद की एक नोट्स बनाई है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे मेथड्स में डिवाइड करके। तो आज हम देखते हैं कि हमारी पहली मेथड कौन सी है, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड नेम इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। तो मैंने पूरा का पूरा जावा बेसिक्स ऐसे मेथड्स में डिवाइड किया है, ताकि आप सबको इजीली याद रह सके और बहुत कन्फ्यूज़न ना हो स्टडी करने में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कैसे कि पहले थियरी पढ़ेंगे ऐसे मेरी नोट्स के थ्रू, बाद में हम डिवाइस के थ्रू प्रैक्टिकल करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फॉर लूप अगर टॉपिक चल रहा है, ठीक है, फॉर लूप का, तो फॉर लूप में हम क्या करेंगे, पहले उसका डेफिनेशन देंगे, उसकी सिंटैक्स देंगे, फिर उसका एग्जाम्पल ऐसी नोट्स में देंगे। ठीक है, फिर हम उसी एग्जाम्पल को लॉजिक के थ्रू, अलग अलग लॉजिक के थ्रू हम प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए थियरी से भी और प्रैक्टिकल से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जावा बेसिक्स फर्स्ट मेथड। अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहिए। ठीक है, तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई बिना डरे कि बिना कोई कन्फ्यूज़न के आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जावा बेसिक्स। हमारे फर्स्ट मेथड है नेम इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन होता है कि जावा है क्या, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़े कि सी, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। फिर आगे आता है ओप्स कॉन्सेप्ट, जो कि सी प्लस प्लस है, सी का एडवांस। ठीक है, सी में कुछ अपडेट होके आया हो तो उसे सी प्लस प्लस नाम दे दिया, उसे कहते हैं सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। ठीक है, फिर पाइथन है तो वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी है तो वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये स्टार्ट करते, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट मेथड नेम इंट्रोडक्शन ऑफ जावा लिखा है। तो आज हम पूरा का पूरा जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि व्हाट इज़ जावा। तो जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जावा अभी इंडिया में देखो या वर्ल्ड में देखो तो फर्स्ट लेवल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा बाकी सब लैंग्वेज के फीचर्स से डिफरेंट है, जावा के फीचर्स बहुत ही डिफरेंट है। फीचर्स यानी क्या, कोई भी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति पूरा का पूरा अलग है, इसमें कुछ अलग ही फीचर है, कुछ अलग ही मतलब वाइब करता है। ठीक है, तो वैसे ही फीचर्स यानी आपकी विशेषता दर्शाते हैं। ठीक है, कि आपकी पर्टिकुलर विशेषता क्या है, ऐसे ऐसा आप में क्या है कि वो लोगों से डिफरेंट करता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी लैंग्वेजेस में एक फीचर्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज का फीचर क्या है, इसमें क्या विशेषता है जो कि दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट पड़ता है। तो जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि जावा बना था कौन सी साल में, 1995 में वो क्रिएट हुआ था। इट इज़ ओन बाय ओरेकल। ठीक है, तो वो ओरेकल का है, एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। तो 3 बिलियन डिवाइसेस जावा रन करते हैं। जावा का यूज़ क्या है, तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना। ठीक है, तो हम अभी मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन, आप पबजी खेलते हो, ठीक है, गेम खेलते हो, तो हम जो भी हमारे ऐप्स गेम्स होती है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम, ऐसी ऐप्स जो मोबाइल में आती है, वो ऐप्स हम बना सकते हैं जावा की मदद से। ठीक है, यहाँ लिखा है मोबाइल एप्लीकेशन स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स। ठीक है, एंड्रॉयड होता है, एप्पल फ़ोन होता है,
तो जावा सबसे पहली प्रायोरिटी एंड्रॉयड ऐप्स के लिए होती है, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, यानी कि हम अपने कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, बाहर हम हमारे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब देख लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड है तो वो भी एक एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर वेब एप्लीकेशन है, यानी कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अमेज़ॉन है, वो सारी की सारी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन कही जाती है। फिर वेब सर्वर्स एंड वेब एप्लीकेशन होती है, ठीक है। फिर गेम्स, मैंने अभी बोला गेम्स होता है। फिर डेटाबेस कनेक्शन के लिए भी जावा का यूज़ होता है, और बहुत सारे यूज़ होते हैं जावा लैंग्वेज के, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, व्हाई यूज़ जावा, हम जावा ही क्यों यूज़ करें, हम सी लैंग्वेज क्यों ना यूज़ करें, हम पाइथन क्यों ना यूज़ करें, व्हाई यूज़ जावा, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या है कि जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम जावा का प्रोग्राम हमें विंडोज़ में लिखा है ना, तो अगर हमें रन वो किसी और सिस्टम में करना है तो वो रन हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी विंडोज़ में कोड किया है, लेकिन अब मेरा विंडोज़ ख़राब हो गया है, तो मैं वो कोड लेके लिनक्स में भी मैं वो रन कर सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वर्क करता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट यानी कि पॉपुलर लैंग्वेज है जावा, इसलिए हम जावा का यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ लार्ज डिमांड इन द करेंट जॉब मार्केट, यस, अगर हमें जॉब चाहिए एक अच्छी सैलरी के साथ, ठीक है, एक अच्छी पोजिशन के साथ, तो जावा आप मार्केट में देखोगे जावा की बहुत सारी डिमांड है जॉब के लिए, तो इसीलिए हमें जावा परफेक्ट आना चाहिए ताकि आप अच्छी से अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर सकें। फिर दूसरा पॉइंट है, इट इज़ इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़, इसका यूज़ सिंपल है, लर्न कर सकते इजीली, ठीक है, तो वो है। इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री, हम इजीली ओपन फ्री मतलब कि फ्रीली हम डाउनलोड कर सकते, वो हम आगे की मेथड में देखेंगे कि कैसे जावा डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पीसी में, कैसे रन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। यानी कि जो जावा रन करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन सोर्स क्यों का, यानी कि हम नोटपैड में भी लिख सकते हैं, सबलाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं होता कि आपको इसी सॉफ्टवेयर में जावा को लिखना है, ठीक है। सी लैंग्वेज में ऐसा होता है कि टर्बो सी में ही आपको लिखना होता है, अभी तो बहुत सारे एडिटर्स आ गए, लेकिन जैसे टर्बो सी ओनली फॉर सी लैंग्वेज के लिए, तो ऐसा कुछ जावा में नहीं है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं आपका प्रोग्राम। इट इज़ सिक्योर फास्ट एंड पावरफुल, तो ये वाली लाइन हम फीचर्स में देखेंगे कि सिक्योर फास्ट एंड पावरफुल क्यों है। इट हैज़ अ हग कम्युनिटी सपोर्ट, यानी कि इसमें बहुत सारी डेवलपर्स है जावा में, ठीक है। फिर जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलोस कोड टू बी रीयूज, ठीक है। मतलब यानी कि पूरा का पूरा जो जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, क्लासेस होते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब हम आगे फीचर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये थियोरिकल नॉलेज था, ठीक है, ये अगर आपको एग्ज़ाम में चाहिए, मतलब एग्ज़ाम में लिखना है, तो ये थियोरिकल बेसिक नॉलेज आपको ये वाली चाहिए। तो हमारा मेन फोकस तो हमारे टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगले मेथड में हम जावा का फीचर्स देखेंगे कि जावा के ऐसे कौन सी अलग विशेषता है कि जावा हम यूज़ करते हैं, तो उसके फीचर्स देखेंगे, और ऐसे ही हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो हमारी नेक्स्ट मेथड होगी फीचर्स ऑफ जावा, जो कि सेकंड मेथड होगी, तो और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड डे।